दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट ऐलान द प्रेसिडेंशियल की डेवलपर ने लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरह काफी ब्रांडिंग की, जिसके बाद इन्वेस्टर्स और बायर्स में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक अलग ही इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी दें, उससे पहले आपको ऐलान ग्रुप के बारे में बताते हैं। ऐलान ग्रुप की शुरुआत 2013 में हुई, जिसके बाद ग्रुप ने अभी तक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर ही काम किया है। ऐलान मर्काडो, ऐलान मिराकल और ऐलान टाउन सेंटर डेवलपर के डिलीवर्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीते बेहतरीन बम्पर इनाम। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐलान ग्रुप ने अपने सभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी खूब हाइप के साथ ही लॉन्च किया था, और वो भी क्यों ना, रियल एस्टेट में ग्रुप के लिए बस बनाना भी जरूरी था। ऐलान ग्रुप ने अब ऐलान द प्रेसिडेंशियल के साथ रेजिडेंशियल मार्केट में एंटर किया है। ऐलान द प्रेसिडेंशियल फेज वाइज लॉन्च होगा, जहां पर कुल 1800 सुपर लग्जरी रेजिडेंसेस प्लान्ड हैं। फिलहाल डेवलपर ने 8 टावर्स लॉन्च किए हैं, जहां पर आपको 3, 4, 5 BHK और अलग अलग कॉन्फिगरेशन के डुप्लेक्स पेंट हाउस की कुल 728 यूनिट्स मिलेंगी। रेरा रजिस्टर्ड फेज 1 को डेवलपर अक्टूबर 2027 तक डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। इन 8 टावर्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह है और यहाँ पर 3 यूनिट्स टू अ कोर हैं, यानी कि एक हेड यूनिट और 2 विंग यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको हर यूनिट के साथ एक प्राइवेट डेक, सर्वेंट क्वार्टर और पाउडर रूम मिलेगा। पेंट हाउस के ऑप्शंस की बात करें तो 3, 4 और 5 BHK पेंट हाउस यूनिट्स में आपको डबल हाइट लिविंग एरिया, जकूजी पूल, फैमिली लाउंज, स्काई डेक भी मिलेगा। ये 5 BHK पेंट हाउस का फ्लोर प्लान है, इसमें 4 बेडरूम के साथ 2 मल्टीपर्पज रूम्स और एक लाउंज एरिया मिलेगा। सर्वेंट क्वार्टर की एंट्री अलग से है और उसके पास ही यूटिलिटी बालकनी है, साथ ही में एडजेसेंट बालकनी किचन स्पेस के लिए है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस भी मिल रहा है और 1124 स्क्वायर फीट का स्काई डेक एरिया यूनिट को अच्छा एयरी रखेगा, मगर 5 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस की तुलना में 3802 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया बहुत ज्यादा नहीं लगता। ऐलान द प्रेसिडेंशियल की एमिनिटीज इसे आसपास के बाकी प्रोजेक्ट से अलग करती हैं, जैसे कि 7 स्टोरी ग्लास ग्लोब स्ट्रक्चर वाला क्लब हाउस, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, प्रोजेक्ट के अंदर ही एक्सक्लूसिव हॉर्स राइडिंग और शूटिंग रेंज, बच्चों के लिए जुरासिक थीम पार्क और ट्री हाउस, रेजिडेंट्स को अच्छी सिक्योरिटी, होम ऑटोमेशन और वाइट गुड्स देने की बात। सेक्टर 106 की बात करें तो ये सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास सेक्टर रोड पर पड़ता है। सेक्टर 106 गुरुग्राम के उस हिस्से के काफी करीब है, जिसे अक्सर लोग ओल्ड गुरुग्राम भी कहते हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन यहां से महज 3 किलोमीटर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से 18 किलोमीटर दूर है। स्क्रीन पर आप इस सेक्टर और इसके आसपास पड़ने वाले कुछ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एम्प्लॉयमेंट हब्स देख सकते हैं, जो एट प्रेजेंट इस सेक्टर को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज बनाता है। ऐलान द प्रेसिडेंशियल के अपोजिट एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर डेवलपिंग है और इसके आसपास कई नामी डेवलपर्स के ऑनगोइंग, रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया को इस तरीके से भी हाईलाइट किया जा रहा है कि यहाँ का डेवलपमेंट आने वाले वक्त में इसे सिंगापुर जैसा लुक देगा। सेक्टर 25 में बन रहा देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम IICC यहाँ से 9 किलोमीटर दूर होगा, साथ ही प्रोजेक्ट से 7 किलोमीटर दूर 650 बेड का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी प्लांट है। ऐलान द प्रेसिडेंशियल में पर स्क्वायर फुट रेट लोकैलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है। सेक्टर 106 में जहां लोकैलिटी रेंज 7,000 से 11,700 रुपीस पर स्क्वायर फुट है, तो वहीं ऐलान द प्रेसिडेंशियल में पर स्क्वायर फुट रेट 15,000 रुपीस है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ऐलान ग्रुप एक दशक पुराना है और ग्रुप ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लग्जरी थीम के साथ ही लॉन्च किए हैं। ग्रुप अपने पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐलान द प्रेसिडेंशियल में भी आपको लग्जरी और एक्सक्लूसिव एमिनिटीज ऑफर करने की बात कर रहे हैं। एरिया के हिसाब से डेंसिटी भी कम है, मगर लोडिंग ज्यादा है।
जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करें तो ये भी जरूर जान लें कि यहाँ पर आपको अप्रॉक्स मेंटेनेंस कितनी देनी होगी, क्योंकि एमिनिटीज के हिसाब से ये ज्यादा हो सकती है। एरिया में डेवलपमेंट भी लगातार हो रहा है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।